अमेरिका के मना करने के बावजूद ईरान रूस को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। ताजा जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ईरान कैस्पियन सागर के रास्ते रूस को हथियार भेज रहा है। इन हथियारों में मिसाइल बम और रॉकेट शामिल है। ईरान के कामकाजी ड्रोन जिस तरह से यूक्रेन में रूस के लिए तबाही मचा रहे हैं, उसके बाद ईरान के हथियारों की नई खेप रूस पहुंचना जेलेंस्की के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। ईरान रूस के जितने करीब पहुंच रहा है, खाड़ी में युद्ध उतना ही नजदीक पहुंचता जा रहा है। ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम ने इसराइल की नींद खोला दिया है। परमाणु बमों के इस्तेमाल के लिए जितनी एनर्जी न्यूक्लियर की जरूरत होती है, ईरान ने करीब करीब वो सीमा हासिल कर ली है। मतलब ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। ईरान के इस कदम के बाद इसराइल ने ऐलान कर दिया है वो कभी भी किसी भी वक्त ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसा सकता है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को इजराइल की आर्मी रूट मैप समझा रही है कि किस रास्ते से ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को तबाह करने की प्लानिंग की गई है। इसके लिए तीन रास्ते चुने गए हैं। पहले इन तीनों रास्तों को रूट मैप के जरिए समझिए। आगे इजराइल का ईरान को उड़ाने का डिटेल प्लान आपको दिखाएंगे। ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को तबाह करने के तीन रास्ते अपना सकता है इसराइल। इसराइल टर्की का इस्तेमाल करते हुए ईरान, जॉर्डन और इराक होते हुए जो कि सबसे छोटा रूट है, सऊदी अरब होते हुए ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला कर सकता है। ये तीनों रास्ते आसान नहीं है क्योंकि हर रास्ते पर इजराइल का दुश्मन और ईरान का दोस्त बैठा है, लेकिन इजराइल इन दुश्मनों से डरने वाला नहीं है। इजराइल के आर्मी चीफ ने क्लियर कर दिया है कि इसके पहले कि रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में तैनात हो, उसके पहले ईरान से न्यूक्लियर वाली ताकत हमेशा के लिए छीन लेनी चाहिए। इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी तबाही से जोड़कर देखता है, जिसके कई कारण है, लेकिन इसकी चर्चा आगे। अभी ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने की रिपोर्ट, जिससे पता चलेगा कि ईरान के पास अब तक कितनी परमाणु शक्ति है या इब्राहिम रईसी कितनी परमाणु शक्ति जुटा पाए हैं। जनवरी 2023 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ईरान के न्यूक्लियर अड्डों के निरीक्षण के बाद ऐलान किया कि इस देश ने परमाणु संवर्धन में 83.7% कामयाबी हासिल कर ली है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए 90% संवर्धित परमाणु की जरूरत पड़ती है। अप्रैल 2021 में इसराइल ने साफ शब्दों में ईरान को धमकाया था कि अगर उसने 60% परमाणु संवर्धन के लक्ष्यों को पूरा कर लिया तो ईरान गया, मतलब उसके परमाणु अड्डों पर इसराइल बम बरसा देगा। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इसके आगे देखिए, एक हैरान करने वाली रिपोर्ट अमेरिका में छपी है जिसके मुताबिक ईरान लगभग 12 दिनों में एक परमाणु बम के लिए पर्याप्त वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकता है। 2015 में जब ईरान के साथ अमेरिका ने परमाणु समझौता किया था, तब कहा जा रहा था कि वो एक साल में परमाणु बम बना सकता है। पूर्व ऐलान के साथ ही अब इसराइल एक्शन में है और इसके लिए इसराइल की आर्मी जो तैयारी कर रही है, अब उसकी डिटेल देख लीजिए। इसराइल को इस वक्त अमेरिका से जितने भी हथियार मिले हैं, इन सभी को मॉडिफाइड कर रहा है, यानी उन्हें उन्नत किया जा रहा है। इसी के तहत इसराइल अपने F-15 फाइटर प्लेन को भी मॉडिफाइड कर रहा है।
इस प्लेन को जीवियो 57 नाम के बम को ढोने की क्षमता के लायक बनाया जा रहा है। F-15 फाइटर जेट करीब 50 सालों से इसराइल वायुसेना की शान है, लेकिन अब उसे आधुनिक कलपुर्जों से लैस किया जा रहा है। इसराइल का F-15 फाइटर जेट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद करने के लिए ओसीरा और सीरिया के अल किबर ठिकाने पर हमला कर चुका है और इसमें उसे कामयाबी भी मिली है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को जला डालना इतना आसान नहीं है। मध्य पूर्व में ईरान ही अकेले इसराइल का दुश्मन नहीं है। इसराइल को गाजा, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन की ओर से भी मिसाइल हमले की आशंका रहती है और इन सबको एक साथ भेजने के लिए इसराइल के पास बड़ी ताकत चाहिए। यही ताकत इसराइल जुटा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने में इसराइल के सामने दो बड़ी चुनौती है। पहला, ईरान के न्यूक्लियर अड्डे पूरे देश में फैले हुए हैं, कहीं एक जगह केंद्रित नहीं है। दूसरा, पहाड़ों के बीच बने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए इसराइल के पास अभी वैसे हथियार नहीं है। यही वजह है कि इसराइल अभी ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने से खुद को रोके हुए है और अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट को जीवियो 57 जैसे विनाशकारी बम को ढोने लायक बना रहा है। जीवियो 57 विनाशकारी बम खास तौर पर धरती में गहराई तक जाकर यूरेनियम संवर्धन संबंधी भूमिगत सुविधाओं को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी वायुसेना ने 2 मई को इस हथियार जीवियो 57 की दुर्लभ तस्वीरें जारी की थी, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर के रूप में जाना जाता है। ये तस्वीरें ऐसे समय पर सामने आई जब न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि ईरान एक परमाणु सुविधा का लगातार निर्माण कर रहा है, जो शायद जीवियो 57 की मारक क्षमता से भी परे है। जीवियो 57 को अंडरग्राउंड बंकरों को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी सेना का अंतिम हथियार माना जाता है। अमेरिका ने 2000 के दशक में मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर विकसित किया था, क्योंकि ईरान की ओर से अपने परमाणु स्थलों को भूमिगत बनाकर मजबूत किए जाने को लेकर चिंता बढ़ गई थी। वायुसेना ने मिसौरी में व्हाइट मैन वायुसैनिक अड्डे के फेसबुक पेज पर बमों की तस्वीरें पोस्ट की थी। इस अड्डे पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की तैनाती है। B-2 एकमात्र विमान है जो इस बम को दाग सकता है। इसराइल जिस तरह से खुद को महफूज मानकर अब तक चल रहा था, ईरान की बढ़ती शक्ति ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। ईरान ने कूटनीतिक रिश्तों का जो नया अध्याय लिखना शुरू किया है, उसमें रूस और चीन जैसा दोस्त शामिल है और जानी दुश्मन सऊदी अरब भी शामिल है, जो ईरान का दोस्त हो गया है। कहने की गरज कि मध्य पूर्व में समीकरण बहुत हद तक बदल चुका है। जंग एकदम आमने सामने की है। एक तरफ ईरान, रूस, चीन, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन और दूसरी ओर इसराइल के साथ अमेरिका, पश्चिमी देश और नाटो। इन सभी देशों के इसराइल या ईरान के साथ होने की अपनी अपनी वजह हैं, अपने अपने हित हैं, लेकिन ईरान इसराइल को और इसराइल ईरान को ही कुचलने के लिए सारी शक्ति क्यों जुटा रहा है? ईरान ने अगर परमाणु बम बना लिए हैं तो इनकी तादाद कितनी है किसी को नहीं मालूम, बस कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसराइल के परमाणु बम की गिनती के बारे में कहा जाता है कि उसके पास एक तो नहीं बल्कि 90 परमाणु बम है। तो ईरान की परमाणु धमकी को ना तो इसराइल हल्के में लेता है, ना ही इसराइल के परमाणु धमकी को ईरान हल्के में लेता है। युद्ध की सूरत में दोनों देशों की मिसाइलें यूक्रेन युद्ध की मिसाइलों की तरह सिर्फ गोले नहीं बरसाएंगी बल्कि परमाणु बम भी गिरा सकती हैं, क्योंकि अरब देशों को अगर इसराइल नहीं चाहिए तो अमेरिका को भी शक्ति संपन्न ईरान नहीं चाहिए। और इस वक्त तो रूस यूक्रेन महायुद्ध का माहौल है। इस समय रूस और ईरान में दोस्ती परवान चढ़ रही है। इसी दोस्ती की खातिर रूस ने इसराइल के दुश्मन ईरान को सुखोई 35 जैसा खतरनाक फाइटर जेट दे दिया है, क्योंकि रूस को ईरानी ड्रोन की काफी जरूरत थी, जिसका धड़ल्ले से उपयोग रूस ने जंग में किया। ईरानी ड्रोन के बदले रूस ने अपना अत्याधुनिक सुखोई 35 ईरान को दिया है। सुखोई 35 से ईरान को इसराइल से निपटने में काफी आसानी हो जाएगी। सुखोई 35 फाइटर जेट चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और इसे खास तौर पर हवा में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बनाया गया है।
इन विमानों को सुपर फ्लैंकर नाम दिया गया है और जल्द ही ये ईरान पहुंच जाएंगे। ईरान ने पिछले 33 साल में कोई भी फाइटर जेट आयात नहीं किया है। ईरान को साल 1979 में इस्लामिक क्रांति से पहले 79 विमान मिले थे। अब जाकर सुखोई 35 ईरान को मिल रहा है। इसराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने की सूरत में मामला दोनों देशों के बीच सीमित नहीं रहने वाला है। इसका फैलाव तीसरे विश्व युद्ध तक हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में जिसकी भी जीत होगी वो खाड़ी का राजा होगा और अरब वर्ल्ड में उसी का सिक्का चलेगा। यही वजह है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। अभी दो दिन पहले ही ईरान ने 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों को टारगेट करने के लिए बनाई गई है, यानी इसराइल ईरान को बर्बाद करना चाहता है। तो ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा, लेकिन इसराइल का तो अस्तित्व ही अरब वर्ल्ड के घुटने टेकने पर टिका है। इसराइल के आर्मी रेडियो को दिए इंटरव्यू में एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास इतनी ताकत मौजूद है कि हजारों किलोमीटर दूर हम किसी भी ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे सकते हैं। हमने ऐसी काबिलियत हासिल कर ली है कि किसी भी टारगेट को दूर से ही निशाना बना सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई टारगेट कितना दूर या कितना पास है। करीब 22 साल से ईरान एटमी ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश, इसराइल और अरब वर्ल्ड को लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो इससे दुनिया को खतरा पैदा हो जाएगा। 2010 में ईरान को रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी। इनमें से ज्यादातर अब भी जारी हैं। 2015 में ईरान का इन शक्तियों से समझौता हुआ। करीब 5 साल तक ईरान को राहत मिलती रही। जनवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौता रद्द किया, ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए। बाइडेन आए तो ईरान पर नरम रुख अपनाया। लेकिन अमेरिका से दोस्ती के बावजूद इसराइल को ईरान के साथ अमेरिका का नरम रुख पसंद नहीं। अमेरिका के स्ट्रेटजी के तहत ईरान और इसराइल के बीच बैलेंस बनाकर वो खाड़ी में अपना वर्चस्व स्थापित रखना चाहता है। लेकिन इसराइल की समझ साफ है कि ईरान आज बढ़ता है, एटम पावर बन जाता है, तो कल की तारीख में इसराइल का दुनिया के नक्शे से अंत भी हो सकता है। इसलिए रिपोर्ट ये भी सामने आई कि फरवरी 2023 में, यानी 2 महीने पहले भी, इसराइल ने खुद के दम पर ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की प्लानिंग कर चुका था, जिसकी भनक उसने अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA को भी नहीं लगने दी।